नमस्कार साथियों, अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका पुनः स्वागत है। हमने जनरल साइंस का पहला पार्ट, पहली क्लास कल रिकॉर्ड की थी और आप लोगों के सपोर्ट के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और क्लास के नीचे कमेंट देखकर ऐसा लग रहा था कि वाकई आप लोगों ने सभी ने क्लास पूरी देखी है और तभी फायदा होगा उसमें क्या क्या पूछा गया। तो कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसके उत्तर भी लिखे जो मैंने प्रश्न किया था। और वो कोई ऐसा नहीं होता है कि टीचर आपकी कुछ परीक्षा लेना चाह रहे हैं, सिर्फ टीचर भी ये देखना चाहता है कि मुझे भी कोई अच्छे से देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तो उसका भी विश्वास बढ़ जाता है। और उसका विश्वास बढ़ेगा तो फिर स्टूडेंट्स का भी विश्वास बढ़ेगा। तो मैंने क्वेश्चन किया था कि जब दूध में से मक्खन या क्रीम वाला पार्ट निकाल लिया जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है कि घट जाती है। बहुत खुशी है मुझे, आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया है कि उसमें से जब क्रीम यानी ऑयल वाला पार्ट निकल जाएगा, यानी तेल वाला पार्ट तो चला गया, अब जो चीज बच गई है उसमें ज्यादा वाटर कंटेंट है, पानी वाला पार्ट है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डेंसिटी का वेट से कोई लेना देना नहीं। कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो काफी हैवी लगे, माने भार ज्यादा उनका, लेकिन डेंसिटी कम हो सकती है। ठीक हो गया, तो उस पर भी अपने को ध्यान रखना है। और बहुत ज्यादा इस पर प्रश्न आते हैं, तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ये पुरानी वाली क्लास का ही एक्सटेंशन है। ऑप्टिक्स में हमने लेंस मिरर कल पढ़ लिया था, आज हम जान जाएंगे यानी आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव क्या है। जिसने क्लास पूरी देखी उसको ह्यूमन आई के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आंख के बारे में और आंख के लेंस की प्रॉपर्टी किस प्रकार से इस्तेमाल की जा रही है, जो उसके हमने भौतिक विज्ञान में डिफेक्ट्स पढ़े थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो वो या प्रेस बायोपिया, इस प्रकार की जो चीजें हैं जिसको जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, वो सारी बातें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मनुष्य की आंख, मानव नेत्र। तो ये एक जो दिखने में आंख कैसी है उसका एक डायग्राम, उसका एक पिक्चर हमने यहां बनाने का प्रयास किया है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ठीक हो गया, हमारी नेत्र गोलिका, आई बॉल, इसको हम एनाटॉमिकली ब्लैक होना चाहिए, यानी जो हमारा शास्त्र है जिससे अंगों का अध्ययन किया जाता है तो ब्लैक होना चाहिए। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम आयरिस। ठीक हो गया, अभी केवल नाम पढ़ रहे हैं, इसके काम वो नीचे लिखे हुए हैं। और उसके बाद इसके अंदर चलते हैं तो यहां पर एक जैसे कैमरे में आपने देखा होगा, कैमरे में भी कवर करने के लिए उसको शटर होता है, तो ऐसे ये ब्राउन स्पॉट, भूरा घेरा या पुतली कहा जाता है, ये हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल हो जाता है। कभी आपने सुना हो भाई किसी को, किसी का नर्वस सिस्टम बेकाबू हो गया, किसी को जब जहर शरीर में जाता है, या जब भी हमारे शरीर में न्यूरोटॉक्सिक जहर, हमें कोबरा डस लेता है तो फिर शरीर में न्यूरोटॉक्सिक जहर जाता है और ये जो सारे एक्शन है जैसे सांसों का चलना, पुतलियों का घटना बढ़ना, वो अनकंट्रोल हो जाता है। इसीलिए उस समय पर बहुत सतर्कता से ध्यान रखना चाहिए पेशेंट का कि कहीं वो सो ना जाए, कहीं वो ज्यादा प्रकाश वाली चीज ना देख ले। अगर ज्यादा प्रकाश वाली चीज देख लेगा तो पुतली फैल जाती है उस समय, तो अंधा होने का डर रहता है। यानी कई दफा सांप के काटने पर आपने सुना होगा, हालांकि ये जीवन में ये वाला पार्ट ना आए, उनकी कृपा हम पर बनी रहे नागराज की। भारत में लगभग सभी जीव पूजनीय माने जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना विशिष्ट हमारा दर्शन है, हमारा दर्शन शास्त्र, हमारा धर्म, कि सभी जीवों की पूजा होती। तो अगर कोबरा ने किसी को डसा है तो उसके शरीर पर कौन सा जहर है, न्यूरोटॉक्सिक। मतलब सामान्यतः ये दो प्रकार सुनने में आते हैं, न्यूरोटॉक्सिक और होम्योटॉक्सिक।
जब वो न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है तो नर्वस सिस्टम बेकाबू हो जाता है, व्यक्ति को पुतली बढ़ जाएगी। तो पुतली यानी हम वो क्या है, पिपिल भी बोलते हैं, ब्राउन स्पॉट भी कहते हैं, एक प्रकार का ये गार्ड का काम करता है। जैसे गेट पर कोई हमने आदमी खड़ा हुआ है, भाई अंदर नहीं आने देना है, अगर रश कम होगा तो गेट खोलना है, रश ज्यादा होगा तो गेट बंद करके रखना, एक एक करके आने देना। तो ये काम यानी आई गार्ड का काम कौन करता है, पुतली, पीपल। ठीक हो गया। केवल अगर हम इसको बिना समझे क्रैम कर लेंगे, कर सकते हैं लेकिन फिर भूल जाएंगे। इसलिए हमने अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में कोशिश की है कि वो आपको लंबे समय तक याद रहे, तो उसका जो बैक स्टोरी है वो भी आपको बताया जाए। केवल आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने बता दिया, लेकिन आर्किमिडीज कौन था, तो फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगा। वो हमारे एनसीईआरटी में भी ऐसे ही हम करते हैं। एनसीईआरटी वाला जो पैटर्न है वो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। मैं किसी और प्राइवेट बुक की बात नहीं कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट ने बहुत टाइम टेस्टेड जो बुक्स बनाई हैं, उनमें जो ब्लू कॉलम में साइंटिस्टों के बारे में कुछ बातें लिखी होती है, उस कारण से वो थ्योरम में आज तक याद है। हमें न्यूटन्स लॉ जिसको भी याद है, उसका बहुत बड़ा कारण उसको वो पता है लोगों को, कि भी न्यूटन सेब नीचे क्यों गिरा, इसके कारण वो सोचने लग गया। तो हमें लग रहा होगा यही स्टोरी का न्यूटन्स लॉ से क्या लेना देना है, बस यही हम गलती कर देते हैं। इस कारण से वो न्यूटन लॉ हमें आज तक भी अच्छे से क्लियर नहीं। इसीलिए जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं या इनकी जो बैक स्टोरी, जैसे मैंने बोला केवल पुतली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिजेंबल, ये पुतली किसके जैसी है हमारी डेली लाइफ में, अगर वो कनेक्ट हो जाएगा तो कभी भी नहीं भूला जाएगा। ठीक हो गया। तो हम ये ध्यान रखना है, हमने केवल क्वेश्चन रटाना नहीं है आपको, हमें ये याद कैसे रहे लंबे समय तक, वो वे आपको बताना है। ठीक हो गया। तो पुतली उस प्रकार से काम करती है। फिर देखना है, इसमें भी एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी गलती है, जब भी हम आई डोनेट करते हैं, आंख दान करते हैं, तो आई बॉल के जो ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। वही आई डोनेट करने के लिए दिया जाता है, और बहुत विचित्र है वो कॉर्निया। ठीक हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जब सोलर एक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, उस समय सूर्य का कौन सा पार्ट विजिबल होता है। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, वो कोरोना कॉर्नर वाला पार्ट। ठीक हो गया। कोरोना से वैसे कई लोग कोरोना वायरस की भी बात कर रहे होंगे, बट जो सन का किनारे वाला पार्ट है, जो हाई फ्रिक्वेंसी लाइट भेजता है, ठीक हो गया, तो वो कॉर्निया से कोरोना इस प्रकार से कनेक्ट करके रखना है, ध्यान रखना है। हमें जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में जो जो शब्द निकल रहे हैं, अगर कोई उसमें प्रश्न छुपा हुआ है, सबके उत्तर साथ के साथ देने हैं। ऐसा नहीं भाई सर नेत्र की बात चल रही है, दूसरी बात हम नहीं पढ़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है। हम ये कोई किसी विषय पर पीएचडी नहीं कर रहे हैं कि केवल एक विषय पर रहेंगे। हमें जो जो विषय रिलेटेड आएगा सारे कवर अप करते चलते रहेंगे। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है अपने को, सूर्य का किनारे वाला पार्ट वो जो ग्रहण के समय विजिबल होता है, बिकॉज बीच वाले में तो चंद्रमा आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, तो वो कॉर्निया, और हमारी आंख का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डोनेट किया जाता है वो कॉर्निया। वो पूरी आंख पे एक पारदर्शी लेयर है। कई लोग कहते हैं भाई वो तो व्हाइट कलर का होता है, ध्यान रखना व्हाइट कलर का नहीं होता है। आंख में जो व्हाइट कलर का पोर्शन है ये कुछ और है, ये स्क्लेरा है। ठीक हो गया। स्क्लेरा, श्वेत पटल भी कहते हैं इसको, श्वेत पटल। बड़ा विचित्र है आंख का काम। आप लोगों से मैं पूछता हूं, सभी से, सभी लोग क्लास में बैठे हैं, जो श्वेत पटल है, माने आप बताइए अवशोषित करने के लिए आंख का काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना या रिफ्लेक्ट करना, बताइए। बिल्कुल, लाइट को एब्जॉर्ब करना, प्रकाश को अवशोषित करना। हमने तो यही पढ़ा था अब तक कि काला रंग प्रकाश, माने काला अगर कोई वस्तु है तो प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करेगी, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो पूरी आंख ही काली होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी आंख का
बाकी का माने कह सकते हैं मोर देन 70% पार्ट तो व्हाइट कलर से ढका हुआ है। इसका मतलब पूरी आंख का काम वांटेड लाइट को अब्सॉर्ब करना नहीं है। ये खूबी हमारे अंदर है, जैसे पक्षी जो होते हैं, पक्षी हमारी की तरह ऐसे ऐसे, जैसे मैं आंखें की देखे आई बॉल्स घुमा रहा हूं, मैं आयरिस घुमा रहा हूं अपनी, आपको शायद कैमरे में दिख रहा हो या और नजदीक आऊं, कोशिश करें देखने की, दिख रहा होगा शायद आपको। तो ये जो मैं आई बॉल्स घुमा रहा हूं, ये आयरिस जो मैं घुमा रहा हूं, ऐसी क्वालिटी सब में नहीं है। पक्षी अपनी आई बॉल इस प्रकार नहीं घुमा सकता, वो अपनी गर्दन घुमा सकता है। ठीक हो गया। इसी प्रकार से आपने देखा होगा एक समस्या है होर्स के साथ, घोड़े के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, उसकी आंख पे सभी दिशाओं से नजर आता है। इसीलिए जब हम पता, अब तो वैसे तांगे चलते नहीं है, यानी घोड़ा गाड़ी ज्यादा चलते नहीं है, आप में से कोई बहुत लकी है किसी ने देखा होगा, या घुड़सवार को तो देखा होगा, घुड़सवार जब उसको घोड़े को चलाता है तो उसके आंख में ऐसा एक पट्टा बांधना पड़ता है ताकि उसको आंखें आगे ही देखें, साइड से ना देखें। बट ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, तो भला हो हमारी आंख के उस बल का कि जिस दिशा से देखना चाहते हैं वहां किसको भेज देते हैं, आयरिस को भेज देते हैं। बाकी के पार्ट में, यानी बाकी का जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, जो स्क्लेरा है, वो अनवांटेड लाइट जो नहीं चाहिए उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, बिकॉज व्हाइट बेस्ट रिफ्लेक्टर है और ब्लैक बेस्ट एब्जॉर्वर है। तो अंतर आप समझ पा रहे होंगे। तो ये एक ऐसा गुण है जो हमारी आंख में मौजूद है कि जहां से देखना है वहां अपनी आइरिस को लेकर जाएंगे। तो क्या होगा, दूसरी साइड जैसे मैं वहां से लेकर गया तो वहां वाली जो पोर्शन है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट ऐसा होर्स नहीं कर सकता है। इसलिए हमें कुछ मैनुअली उसके साथ कुछ ऐसा करना पड़ता है, कुछ ऐसा पट्टा बांधना पड़ता है। भगवान का भला है हमारे साथ ऐसा नहीं है, नहीं तो आपको भी क्लास अटेंड करने के लिए, क्लास में आप जो बैठे हैं, मैं तभी आपको दिखाई देता जब आप वो घोड़े वाला पट्टा बांधते, तब आपको नजर आता है भाई वाजपेयी सर क्लास ले रहे हैं, अभी सामने देखना है बोर्ड पर। तो आई थिंक आपको कनेक्ट कर पाए होंगे इस बात को कि कितनी बड़ी फायदा है हमारे लिए कि स्क्लेरा अनवांटेड लाइट को वहां रिफ्लेक्ट कर रहा है और आयरिस जहां जाएगी केवल वहीं से वांटेड लाइट आना शुरू हो जाएगा। आप ये भी समझ सकते हैं, नहीं तो पूरी आंख काली हो जाएगी तो बहुत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक हो गया। वो हमारा जो पटल है यानी जो पर्दा है जिसको रेटिना बोलते हैं, उसमें ज्यादा लाइट आने से वो जल भी सकता है। और आपको पता है अगर ये सब कुछ ठीक भी है तभी भी अगर पिपल काम करना बंद कर दे, जैसे मैंने भी बताया था, तभी भी रेटिना जलने का डर होता है, यानी पुतली अगर फैल जाएगी तभी भी लाइट अंदर आगे चली जाएगी। तो यहां कई प्रोटेक्शन आपको दी हुई है आईज में। और ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि जो रक्त कणिकाएं हैं कौन से पार्ट में नहीं होती हैं आईज में, और स्पेशली कौन सा उसका पार्ट है जो सबसे एडवांस है हमारे पूरे शरीर का, कॉर्निया। बिकॉज कॉर्निया में उसको उसको जैसे ब्लड से घुली हुई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार इमेजिन करके देखें, अगर इन सेल से ही पूरा शरीर बना होता तो आपको सांस में जो हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं वो खून में मिल जाता है, पूरे शरीर में जाता है, उसकी आवश्यकता ही ना पड़ती। बिकॉज ये सेल अपने आप ही ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर सकता है। और इसकी अगर तुलना करें दूसरे सेल के साथ, जो चोट कहीं और लगी है मुझे ये आई सेल में ही लगेगी, तो वो चोट अगर एक हफ्ते में भर रही है, ये एक घंटे में भर जाएगी। भगवान ने ऐसा डिजाइन किया बिकॉज ये सेंसिटिव अंग है, तो अगर छोटी मोटी इसको थोड़ी बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो फट से वो रिकवर कर लेता है। ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज ये हमारा कैमरा है, हमारा आई आपको पता है कितना हाई लेवल का कैमरा है, मतलब इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पनाओं से परे। आप जिस शहर में बैठे हैं, कोई बहुत बहुत 50,000-60,000 का मोबाइल फोन भी होगा तभी भी उसके पास शायद 100 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, बट हमारी आंख का ऑन एवरेज जो मेगापिक्सल मापा जाता है 576 मेगापिक्सल का कैमरा है, आप समझ सकते हैं। और आपको ये सब बातें याद रखनी है, कोई बोल दिया हवा में लेकर नहीं जाना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेगा, एक मेगापिक्सल में कितने पिक्सल होते हैं, ये भौतिक विज्ञान में पढ़ा है वो अलग बात है, हमने ध्यान नहीं दिया। मेगा मेगापिक्सल में कितना पिक्सल होता है,
याद रखना है मेगा ही करेंसी में मिलियन होता है, बोलते हैं ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हमारे चैनल के, या ऐसे बोलते हैं 1 मिलियन यूएस डॉलर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 1 मिलियन रुपीस, ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक हो गया। इसलिए हर हर एक एक पॉइंट को अच्छे समझ, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ग्रिप ढीली नहीं होनी चाहिए, अगर पकड़ कमजोर हुई तो ये टॉपिक छूट जाएगा। तो 1 मिलियन या 1 मेगा इज इक्वल टू 10^6, सिंपली आपको याद रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय मेगा? मेगा कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इट ओनली रिप्रेजेंट नंबर। जैसे मैंने बोला मेगा, ऐसे ही आप कभी सुनेंगे किलो। आप लोग कभी अपने घर में कोई व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो आप क्या हमारे घर में कितने मेंबर आए हैं उसको किलो में काउंट कर सकते हैं? ध्यान रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको गड़बड़ नहीं करना है। जो हम बोलते हैं वास्तव में कि मैं 1 किलो दूध लेने गया हूं, ये टेक्निकली इनकरेक्ट है। वैसे भी दूध तो हम लीटर में लेना चाहिए, और वैसे भी किलो इज ओनली अ नंबर। किलो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो नंबर है, कोई ये वेट रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होता। कई लोगों का, नहीं सर हम तो किलो में ही अपना वेट मापते हैं। आप भूल रहे हैं, किलो में नहीं मापते हैं, किलो ग्राम में मापते हैं। ये बात अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो पता तो होना चाहिए। या घसीडा राम की तरह जैसे पहले लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम भी बस आगे बढ़ते चले। किलो, जब हम आगे किलो के क्या लगा दें, वॉट, तो अब ये किसका यूनिट बन गया? पावर का। और अगर मैं किलो के आगे क्या लगा दूं? ग्राम, तो अब ये किसका यूनिट बन गया? इससे आप मास माप रहे हैं, ठीक हो गया। तो आपको ये बात याद रखनी है, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, ये द्रव्यमान भी मापने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये पावर मापने यानी शक्ति मापने के लिए इस्तेमाल भी हो रहा है, और सिंपली कहीं किलो लिखा हो तो किलो मींस 1000। तो अगर मेरे घर में कोई पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की है तो उस फंक्शन में कितने लोग आए? 1 किलो लोग आए, सही है। ये हमें अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि हम आदि हो गए हैं वो ट्रेडिशनल से जो सुनते आ रहे हैं, कहीं मतलब वो कुछ चीजें गलत भी हैं हमारे, कई दफा व्यवहार में कुछ चीजें हैं वो गलत हैं, टेक्निकली करेक्ट नहीं है, लेकिन अब सबने स्वीकार कर लिया तो चलता है। यही बोलते हैं ना, चलता है। जैसे हम कोर्ट को क्या बोल देते हैं कई दफा? कोर्ट। कहां जाना है? कोर्ट। बट वो यहां तो स्वीकार्य नहीं है ना, वो एग्जाम में अगर आप कोर्ट को कोर्ट बोल देंगे तो नहीं चलेगा। ऐसे ही यहां किलो का भार से कोई संबंध नहीं है, किलो एक नंबर है, मेगा भी एक नंबर है। तो 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 10^6 पिक्सल। तो जब भी आंख किसी फोटो को देखती है, मींस मैं आपको देख रहा हूं अभी, वो फोटो को मैं क्लिक कर लेता हूं, स्टेशनरी कर लेता हूं, उसके बाद मैं उस फोटो को अपने कंप्यूटर में डालकर जूम करता हूं, तो उसमें कितने डॉट्स मिलेंगे? पिक्सल का मतलब होता है डॉट्स या बिंदी। तो 576×10^6 पिक्सल आप करते रहिए काउंट। 10^6 का मतलब 1,000,000 होता है, 1,000,000×576, इतनी बिंदियां होंगी। इसका मतलब जितने ज्यादा पिक्सल उतनी फोटो क्लियर मिलेगी आपको। तो ये हमें ध्यान रखना है कि केवल ह्यूमन आई पढ़ रहे उतना नहीं है, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं सारी बातें ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? हमें मेगा पिक्सल समझ में आया, मेगा किसके लिए इस्तेमाल? एक नंबर का यूनिट है, किलो भी एक नंबर यूनिट है। जैसे मैंने फेसबुक पर कोई फोटो लगाई, उसको 2.5 घंटे के बाद मैंने ऑब्जर्व किया, उसको 2.5 किलो लाइक मिल गए। कई लोग एकदम हैरान हो गए, सर क्या है सर, इसको उसको पढ़ाना नहीं आता है, कुछ पता नहीं है, क्यों? वो उसी दुनिया में रह जीना चाहता है जिस दुनिया वो देखता है। तो आपको बात याद रखनी है, अगर हमें सीखना है तो जो करेक्ट वे है, जो उसकी करेक्ट डेफिनेशन है वो सीखना चाहिए। अभी क्या कोई बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। मैंने कल भी बताया था, कोई भी पेपर सेलेक्शन में वो दिल की बात नहीं सुन रहा है, वो दिमाग की बात सुनता है, ठीक हो गया। तो किलो इज द नंबर ऑफ, मतलब किलो इज द यूनिट ऑफ नंबर। जैसे बोलते हैं एक डजन, माने डजन क्या बता रहा है? नंबर बताता है। 2 डजन नंबर बताता है, 1 डजन यानी 12, 2 डजन यानी 24। तो 1 किलो यानी, 1 किलो यानी बताइए 1,000, 2 किलो यानी
2000, ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया। तो आयरिस, कॉर्निया, स्क्लेरा, पुतली, आंख के अंदर, वो यहां से विजिबल नहीं होता है, ये जो भूरा घेरा है इसके पीछे वाली तरफ लेंस है, हाई पावर कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है हमारी आंख पे, जो जरूरत पड़ने पर दूर की चीजें देखने के लिए कॉनकेव भी बन जाता है। बड़ी शानदार चीज लगी है हमारी बॉडी में, दुनिया के सबसे अच्छे डिवाइसेस हमारे बॉडी में लगे हैं। हमारी आंख एक प्रकार का कैमरा है, हमारी किडनी की अगर समानता करें, ये क्वेश्चन है आपका भाई, आप अगर पीआरटी में जाते हैं तो कह सकते हैं हमारी आंख की समानता किस यंत्र से है, कैमरे से है। हमारे गुर्दा, हमारे किडनी, जिसको हिंदी में या संस्कृत में वक्र कहते हैं, इसकी समानता किस यंत्र से है बताइए। ये एक प्रकार का फिल्टर माना जा सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस आपने सुना होगा, आरओ मशीन की तरह ही हमारी किडनियां भी कुछ कुछ काम करती हैं। भाई एक तरफ से गंदा खून जाता है, दूसरी तरफ से साफ खून, और उसमें एक ट्यूब से यूरिया अलग हो जाता है, ठीक हो गया, यूरिया अलग होगा और वो यूरिन की फॉर्म में शरीर से निकल जाएगा, पेशाब के रूप में निकल जाएगा। तो पेशाब बनाने का काम शरीर में कौन से अंग में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, ठीक हो गया। भगवान भला करे कुछ उल्टा पुलटा मत लिख देना, हृदय मत लिख देना, लीवर मत लिख देना, दिमाग मत लिख देना, हर एक का टास्क अलग अलग दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो वो कनेक्ट करके चलना है। तो अब यहां पर एक एक लाइन है वो आप पढ़ सकते हैं। आंखों का बाहरी पारदर्शी भाग, इसका कोई कलर नहीं होता, अगर कभी पूछे, कई लोग गलत फहमी में इसको व्हाइट बोल देते हैं, बिकॉज कई लोगों को पारदर्शी का मतलब, उनको लगता है पारदर्शी मतलब क्या कलर, कहता है वो व्हाइट कलर, ऐसा नहीं है, व्हाइट इज डिफरेंट एंड ट्रांसपेरेंट इज डिफरेंट, तो नो कलर। और कितने समय तक अगर आंखों को सुरक्षित रखा जाए तो हम आगे दे सकते हैं, 4 से 6 घंटे तक वो डोनेट की जा सकती हैं, यानी अगर किसी ने अपने आंखों को मरणोपरांत दान देने का फैसला किया है, तो जैसे ही वो व्यक्ति के प्राण निकलते हैं उसकी आंखें बंद कर गई, यानी पलके उसकी ढाप दी गई और उसको फोन किया गया, वो लोग आते हैं जो डोनेशन कैंप वाले हैं, आई डोनेट करने जहां आपने रजिस्टर किया था, वो आपके आंख का केवल क्या निकाल रहे हैं, कॉर्निया वो निकाल देते हैं। और अगर उसमें ज्यादा समय बीत जाता है, यानी 6 घंटे से ज्यादा हो जाता है, फिर वो इन्फेक्शन चालू हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं। तो ये मैक्सिमम टाइम कितना है, 6 घंटे। और ये थोड़ा उम्र पे भी निर्भर करता है, बहुत ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति है वो 4 घंटे के भीतर भीतर आंख निकालनी पड़ेगी, मीन्स आंख मीन्स आप समझ रहे हैं, डोनेशन के लिए कॉर्निया निकाला जाता है। और कोई युवा शरीर है, विकसित शरीर है उसका भी, क्योंकि आपको पता है डेड सेल्स जल्दी जल्दी जो मृत है कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति में, वृद्ध व्यक्ति में जल्दी जल्दी कोशिकाएं मरती हैं। तो जो युवा शरीर अगर है तो वो 6 घंटे तक की उसको छूट मिल जाती है, तो ये स्लॉट हम ध्यान रखना है। फिर आता है स्क्लेरा, गैर जरूरी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ अनवांटेड लाइट। मैंने आपको ये बात तो कही थी कि क्वेश्चन मार्क पैदा करना है, लेकिन इतना क्वेश्चन मार्क पैदा नहीं करना जो हमारे पीआरटी और टीजीटी के भी ऊपर चला जाए। मैंने बोला ना ये पीएचडी की क्लास नहीं है, कई लोग फिर जिद करते हैं कि नहीं सर हमें तो इसका और डिटेल चाहिए, अरे जब हमारे काम का ही नहीं है तो हमें वो क्यों चाहिए, ठीक हो गया। तो जो क्वेश्चन मार्क है वो पर्याप्त तो होना चाहिए, यानी अतिवादी भी नहीं होना है, आपको पता चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं होना है कि नहीं मैं डिटेल में जाऊंगा। आप अगर एमबीबीएस की और बुक्स लेकर आएंगे तो केवल आंख में ही आपको ये 10 इतनी मोटी मोटी रिसर्च बुक मिल जाएंगी, वो पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, उसके बाद पेपर क्लियर हो जाएगा पीआरटी का, नहीं होगा। इसलिए हमें उतना ही यहां समय लगाना है जो हमारे पीआरटी टीजीटी के लिए जरूरी है, ठीक हो गया। और इसका वो पार्ट कई जगह पीजीटी में भी हमने देखा है, ठीक हो गया। तो सभी के लेवल के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीआरटी, क्योंकि वो बेसिक जनरल साइंस से क्वेश्चन लेता है। लेकिन दुख की बात क्या है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेसिक आता नहीं है। तो ये बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए। आयरिस, आंखों का काला भाग, इनर ब्लैक पोर्शन ऑफ आई। अब इसमें क्वेश्चन आ जाए कि काम क्या है इसका, आयरिस का ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वांटेड लाइट, जो प्रकाश चाहिए उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक हो गया। दोनों ही भाषा में जरूरी प्रकाश का अवशोषण। आयरिस का प्रारंभिक रंग, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, जो हमारे बच्चा जो गर्भ में अभी पनप रहा है
उसका ये आपको पता है गर्भाधान काल पता होना चाहिए। क्वेश्चन है मनुष्य का गर्भाधान काल कितना होता है? 9 months। सबसे ज्यादा गर्भाधान काल प्रेगनेंसी टाइम किसका होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। किसका है बताइए? एशियन एलिफेंट। इसमें भी अंतर है जी, हाथी तो हाथी होता है, ऐसा नहीं होता है भैया, कुछ गड़बड़ मत करना। एशिया के जो हाथी हैं उनके कान छोटे होते हैं, उनका ओवरऑल बॉडी साइज भी कम होता है। जनरली किसी भी हाथी को देखकर जनरली पहचानने के लिए कानों पर ही फोकस करते हैं, ठीक हो गया। अफ्रीका के जो हाथी उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, भाई गर्मी ज्यादा है तो अनुकूलता के हिसाब से उसने अपने कान कह लो या पंखे विकसित कर लिए। कल मैंने बताया था ना डायाफ्रेम की तरह भी काम करता है वो, ठीक हो गया, डिश टीवी की तरह भी काम करता है। आयरिस का प्रारंभिक रंग नीला, आपके लोग सोच रहे हो मेरी आंखें भी स्टार्टिंग में नीली थी, क्या बात है, वो अलग अलग एक्ट्रेसेस की आंखें नीली थी तो मैं भी वैसे, लेकिन मैंने आपको कल बताया था एनाटॉमिकली। अभी दिल की बात नहीं सुननी अपने को, अपने को तो क्या करेक्ट वे है, दिमाग जजमेंट उसके पास पावर है, वही हमारे अंग शरीर के जितने भी अंग है वो किसके किसकी आज्ञा को मानने के लिए बने हुए हैं? मस्तिष्क, तो सब मस्तिष्क के अधीन है। मस्तिष्क ही हमारे हृदय को भी लगातार धड़कने के लिए सिग्नल देता रहता है, या कह सकते हैं एक प्रकार का ये इसका सर्वेंट है। हाथ हमें बहुत पावरफुल लग रहा है कि भाई हो सकता है आप में से किसी की बाइसेप्स 25 भी हो, तो बहुत ताकतवर है, लेकिन हाथ किसका सर्वेंट है? मस्तिष्क का। तो सबसे जबरदस्त राजा कौन है? मस्तिष्क है, ठीक हो गया। तो उसी की सुननी है ये, कई तो लोग उल्टी उल्टी बात करते हैं, मैं तो जिगर की सुनता हूं, मैं तो दिल की सुनता हूं, मैं तो क्या मतलब आप जिगर माने लीवर, लीवर से कौन सोच सकता है? लोग कहते हैं मैं दिल की सुनता, कौन दिल से सोचता है? वो अलग फिलोसॉफिकल टॉक्स है, उस पर कभी हम और डिस्कशन करेंगे, वो जनरल साइंस का पार्ट नहीं है। जब कभी किसी को मोटिवेट करना हो तो कई दफा दिल और जिगरे की बात आ जाती है, वो एक डिफरेंट वे है, वो मैं थोड़ा सा आपको बायोलॉजी में कोशिश करूंगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। बट अभी इतना याद रखना, हमारा जो जजमेंट पावर है वो तो मस्तिष्क के पास है, तो दिमाग का है वो सारा खेल, ठीक हो गया। पेपर में सेलेक्ट होना है ना, तो क्या किससे हो जाओगे आप? कहते जी किडनी से हो जाऊंगा पेपर में सेलेक्ट, नहीं दिमाग से हो गए, गड़बड़ मत करना। तो 6 महीने तक आंखें नीली, ठीक हो गया, लेकिन अभी समझ लो नीचे आ जाओ जमीन पर, वो नीली आंखों को एनाटॉमिकली हम इतना बढ़िया नहीं मान रहे हैं। आपको पता है बेस्ट कलर जो एब्जॉर्ब करने के लिए बना है वो तो ब्लैक है, वो कहीं भी किसी भी आदमी का है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, तो आप भगवान को कंप्लेंट करो भी मेरी आंखें ऐसी क्यों बना दी आपने, लेकिन वो नीली आंखें प्रारंभिक में सबको मिली थी। और बोलता है कि आयरिस को जो कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आयरिस एक प्रकार का क्या है? आयरिस इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। वैसे शरीर के ज्यादातर, कभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया आप समझ नहीं पा रहे यार प्रोटीन है ये, क्या विटामिन है ये, क्या है? आयरिस इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, ध्यान रखना है। हमारा शरीर के बाल एक प्रकार का प्रोटीन है, यहां तक कि शरीर में बनने वाले हार्मोन को भी अगर हम ज्यादा डिटेल में समझते हैं, वो हार्मोन भी एक प्रकार का प्रोटीन टाइप माना जाता है, ठीक हो गया। आंखों को रोशनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि भाई तुम्हारी आंखों की रोशनी कम होगी तो विटामिन ए खाओ, वो अलग विषय है, वो बाद का विषय। अगर आपको ये पूछता है कि आयरिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, आयरिस बालों का रंग, त्वचा, ऊन, रेशम, बालों का रंग या बाल, कहता बाल एक किसका रूप है? प्रोटीन का। और आपको पता है जो प्रोटीन है वो एक प्रकार का आरएनए है, ठीक हो गया। शरीर के प्रोटीन में किस फॉर्म में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड रहती है? आरएनए, जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, ऐसे राइबोन्यूक्लिक एसिड इज आरएनए। बहुत मतलब आपके तो पूर्वजों का कहना ही क्या, ऐसी ऐसी बातें जो दुनिया की कभी समझ में भी नहीं आ सकती वो आपके पूर्वजों ने की हुई है, पूर्वज के अभी भी कर ही रहे हैं। डॉक्टर हर गोविंद खुराना को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने आरएनए को सिंथेसाइज किया था, ठीक हो गया। आरएनए को सिंथेसाइज करना यानी उस आरएनए निर्माण, और आरएनए से फिर उन्होंने यह बता दिया कि डीएनए बनाया जा सकता है। डीएनए की खोज करना एक अलग बात है, ठीक हो गया। वो मेंडल और क्रिक के नाम से जानते हैं जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, लेकिन अगर बोलते हैं लैब में डीएनए किसी का बनाना है
तो उसने क्या किया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना बहुत रेस्पेक्टेड हमारे लिए हमेशा रहेंगे, उनका ओरिजिन इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एक समय पर अपना बीटेक कंप्लीट किया था बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बाद वो आगे गए रिसर्च के लिए, कनाडा गए, फिर यूएस गए, और उन्होंने ये यानी आपका ही आदमी है, क्या बोलते हैं आप भाई, हमारा गुहांडी है, तो बड़ा प्रेम हो जाता और विश्वास भी बढ़ जाता, भाई हमारा ही आदमी ने बात बताई दुनिया को कि किसी का क्लोन बनाने के लिए उसका ब्लड सैंपल भी नहीं चाहिए, अगर क्लोन बनाने के लिए केवल एक बाल भी है उसका क्लोन बनाया जा सकता है, बिकॉज बाल में क्या है, आरएनए, और आरएनए से डीएनए, और डीएनए से तो आपको पता है पूरी का पूरा शरीर का ये डीएनए इज लाइक अ पूरी हमारी जन्म कुंडली, उसका सारी इंफॉर्मेशन, आपका करेक्टरिस्टिक्स, आपका बिहेवियर, सब कुछ आपके डीएनए के पास है, और आंखों से भी नहीं दिखता, इतना छोटा है, कल्पना कर सकते हैं डीएनए कितना टिपिकल है। तो कभी इस प्रकार की बात है, भेड़ का ऊन एक प्रकार का प्रोटीन है, खा मत जाना, भगवान भला करे आपका। फिर लोग कह रहे हैं सर बॉडी बिल्डर भी तो होता है प्रोटीन, प्रोटीन के डब्बे मैंने बहुत खाए हैं तब भी जाके मेरा कुछ हुआ नहीं और बॉडी शोटी बनी नहीं, उल्टा और शरीर मेरा खराब हो गया, वो खराब होना ही है। अगर ज्यादा आर्टिफिशियल प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाए और शरीर से अच्छे से एक्सरसाइज व्यायाम ना किया जाए तो शरीर डिफॉर्म भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, इसलिए उसको अच्छे से पचाना भी जरूरी है। और सारे प्रोटीन को पचने के लिए शरीर के, हमारे शरीर में एंजाइम नहीं है, तो ये खा मत जाना तुम लोग, ठीक हो गया, कहीं ऊन मिले कि चलो 2 किलो ऊन खा देता हूं, प्रोटीन तो है इसके अंदर, वो आपके किसी काम का नहीं है, हो सकता है कोई और एनिमल उसको पचा भी सके, बट हम तो, हमारे पास एंजाइम नहीं है ना, बिकॉज खाने से क्या होगा जब पचेगा ही नहीं, जैसे छोटा बच्चा जो होता है न्यूली बॉर्न बेबी, क्यों उसको मनाई ये दूसरी खाने की चीजों की, बिकॉज शरीर में एंजाइम ही बन नहीं रहे अभी, माँ का दूध ही वो पचा सकता है, ज्यादा से ज्यादा किसी पशु का दूध वो पचा सकता है, लेकिन अगर आपने उसको कहा था भाई हम तो रईस लोग हैं, हम तो अभी बच्चों को शुरुआत से बादाम खिलाएंगे, खिला लो बादाम, पचेगा ही नहीं, वो क्या है बादाम खा तो रहा है लेकिन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही है, इसलिए सारा बादाम वेस्ट के रूप में निकल रहा है, ठीक हो गया, उल्टा बीमार भी हो सकता है वो, क्योंकि आपने वो चीजें स्टमक में डाल दी हैं जो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, और आज के समय पर यही ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े रईस लोग हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है, मैं सारे रईस लोगों को बुरा नहीं कह रहा, जिन्होंने अपने लाइफ स्टाइल में सुधार नहीं किए हैं, अभी वहां बच्चों में एनीमिया की शिकायत है, बड़ी कॉमन सी बीमारी है और ज्यादातर ये लाइफस्टाइल में चेंजेस के कारण होती है, बहुत बड़े हम भाई हम अपने आप को क्या कह रहे हैं भाई, मॉडर्न होना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन मॉडर्न होकर साइंस को भूल जाना है तो बुरी बात है ना, हमें पता ही नहीं है रॉन्ग फूड मिक्सिंग कर रहे हैं अभी, कहता चल कोल्ड ड्रिंक के साथ बादाम खा लेते हैं, तो फिर अगर बॉडी जज ही नहीं कर पाती कि किस डाइजेशन के लिए कौन से एंजाइम को रिलीज करना है, अब एंजाइम ही रिलीज नहीं होगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, शरीर से एज इट इज बाहर निकल जाएगा, तो कहते क्या है भाई हमारे बच्चे को हम आयरन की बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाते हैं, फिर भी ब्लड टेस्ट कराया तो आयरन की कमी है, अरे खाने का क्या फायदा है, वो बॉडी एब्जॉर्ब भी तो करना चाहिए, तो ये बात ध्यान रखना, एनीमिया खून की कमी का मुख्य कारण ये है हमारा लाइफ स्टाइल, या हम ये भी कह सकते हैं रॉन्ग फूड मिक्सिंग, कुछ भी मिलाकर कुछ भी खा लेना, ऐसा नहीं चलता है, पुराने लोग इस बात को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते थे कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो ठीक हो गया। पुतली, इसे आंखों का गार्ड या भूरा घेरा कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज आई गार्ड और ब्राउन स्पॉट। रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? पुतली, गेट पे जो हमारे एकेडमी के गेट पर जो अंकल जी खड़े हैं, जो सदा हमारे एकेडमी में आने वाले व्यक्ति पर नजर रखते हैं, वो अंकल जी को अगर हम तुलना करना चाहें तो वो पुतली पीपल, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसे तो कोई भी ज्यादा रश हो जाएगा, अंदर आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, तो ये बचाता है किसको? रेटिना। इसका आकार स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, व्हाट इज स्वायत्त तंत्रिका तंत्र? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जरिए वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आता है रेटिना वाला पार्ट, ठीक हो गया। रेटिना किस प्रकार से काम कर रहा है? रेटिना के कारण ही हमें मतलब कुछ गड़बड़ हो जाती है रेटिना में, तो फिर हमें और कई बीमारियां हो जाती है। डायग्राम ये वैसे आपने बहुत कॉमन है, 10th में देखा होगा। रेटिना, ऑल इमेजेस शुड फॉर्म ऑन रेटिना, सभी इमेज कहां बननी चाहिए? इसे आंखों का पर्दा भी कहा जाता है, गलती मत करना, जब कभी भी आंखों का पर्दा कहा जाएगा आपको पुतली को नहीं कहना है, आपको
डायफ्रेम कहेगा तो रेटिना ही है। रेटिना जैसे ये प्रकाश सामने से आ रही है, क्या हमारे आंख का लेंस, आपको बताया मैंने ये वैसे स्पेरिकल गोलाकार लेंस होता है, और आपको पता गोलाकार लेंस टेक्निकली कन्वेक्स लेंस होता है, और इसके दोनों साइड पर सिलेरी मसल्स होती हैं, और मसल्स जब आपको दूर की चीज देखनी है तो उसको टाइट कर देंगी, और ज्यादा टाइट करेंगी तो ये लेंस बीच में से पतला हो जाएगा, और आपको पता है बीच में से अगर दब गया, याद है कि भूल गए, अगर लेंस बीच में से बेंड हो गया, पतला हो गया, तो कौन केव बन जाएगा, अवतल लेंस बन जाएगा। तो दूर की चीज देखनी है तो मेरी सिलेरी मसल्स इस लेंस को टाइट करेंगी और एक कॉनकेव बन जाएगा, और पास तो ये बहुत इसकी प्रॉपर शेप जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी पास की और दूर की नजर डिस्टर्ब रहेगी। ठीक हो गया, तो ध्यान रखना, और किसी को दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो पास की ओरिएंटेशन सिलेरी मसल्स चेक कर पा रहा है ना, दूर की सेट कर पा रहा है, तो सिलेरी मसल्स का ये काम है और जो इस लेंस को एक प्रॉपर शेप देता है। अगर ये शेप बिगड़ जाती है, देखो वैसे बाय डिफॉल्ट एक केस ले लें भाई, सब कुछ ठीक ठाक अगर है, आंखें ठीक है, तो ये देखो लाइट आ रही है सामने से, क्या हमारा आंख का ये वाला पार्ट, समझो अच्छे से ध्यान से, ये आंख इस प्रकार से मैंने मेरा कंचा आंख का निकाल दिया ऐसे, सुना होगा आपने कई डाकू होते थे ना पहले, अरे अजीब अजीब डाकू होते थे ना, क्या रहीसी ठाट होते थे भाई, कहते मैं आंखों की माला पहनूंगा, आंख निकाल लेते थे, तो उसके ऐसे आंख नोच लेते थे, आंखें निकाल लेते थे, तो वो आंख निकालना कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उसको लगाने में समय लगता है भाई, अगर एक हुक की तरह ऐसा फट से आई बॉल बाहर आ जाएगा ये, ठीक हो गया। और कई दफा ऐसा कुछ केसेस में छोटा ऑपरेशन भी करना पड़ता है, जैसे कोई बच्चे को ध्यान रखना है बाई आंख में आंसू बनते हैं लेफ्ट आई में, और वो बाई से ही दाई को बैलेंस करता है, कभी इस प्रकार की कोई क्वेश्चन आए, अश्रु ग्रंथियां आंखों में कहां है, बाई आंख में, ठीक हो गया, इसीलिए कभी कभी एक आंख में दिक्कत है, दूसरे को भी हमें दवाई डालना चाहिए, दोनों बैलेंस रहे। तो किसी को कोई नवजात शिशु है उसको बहुत ज्यादा आंसू की समस्या हो रही, ज्यादा आंसू गिर रहे हैं, उल्टे फिर ज्यादा आंसू गिरते तो फिर हम घर में और कई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, उसको पाया पाया उसको सुरमा भी भर देते हैं, तो क्या होता है यहां पर ना एक छोटा छिद्र होता है जो उन आंसुओं को अंदर लेकर चला जाता है। किसी बच्चे का जन्म मान लीजिए, वैसे शिशु का जन्म होना चाहिए 9 महीने में, 7 महीने में जन्म हो गया, तो अभी जो छेद था वो पूरा बन नहीं पाया, तो इसीलिए आंख में से एक आंख में से खासकर आंसू गिर रहे हैं, जब भी धूल में लेकर जाते हैं खुले वातावरण में तो ज्यादा गिरता है, हमें लगता है कि नहीं अभी हम इसको बढ़िया सुरमा लगा के ठीक कर देंगे, तो सुरमा लगाएंगे तो उस छेद में और सुरमा भर जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे को वैसे अगर नॉर्मल है तो सुरमा काजल बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन अगर वो इस प्रकार से आंखें तो एक बार जरूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो ये कौन सी आंख में होगा सभी बताइए, बाई आंख लेफ्ट आई। अभी आपको बाया और दाएं भी सिखाना होगा, आप में से कई ऐसे भी हैं महान सम्राट जिनको बाया दाया भी नहीं पता है, लेकिन वो क्या है सम्राट, उनको हम सम्राट कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन, ये भी एक मोटिवेशन ही है, जो लोगों को नहीं आता मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, उनको मोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन कैसे नेगेटिव मोटिवेशन, मोटिवेशन के कई तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव मोटिवेशन और एक नेगेटिव मोटिवेशन। तो वो सम्राट जो भी दाएं बाएं नहीं जानते हैं उनको बहुत दिक्कत आएगी एग्जाम में, ना सिर्फ साइंस के क्वेश्चन, उसको जो सरल उसका मैथ का पार्ट है वो भी कवर नहीं कर पाएगा, वो नॉर्मल सा रीजनिंग वो भी कवर नहीं कर पाएगा, उसको यही नहीं पता है दाया बाया, अगर उसको पता नहीं है तो उसको पूरे पश्चिम में भी दिक्कत आती है, उत्तर दक्षिण वो समझता नहीं है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे हिंट मैं आपको देने की। अभी आपको समझ में आया, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी आंख ऐसे है तो प्रकाश सामने से आ रहा है, प्रकाश सामने से आ रहा है, देखो ये मिल गया, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो प्रकाश कहां मिलना चाहिए, मैंने आपको कल बताया था जो सच में मिलता है वो रियल इमेज होती, तो रियल इमेज कहां बन गई, रेटिना पर, इसको रेटिना बोलते हैं, ये वाला बाप जहां पर प्रकाश मिल रहा है, और यहीं पर ऑप्टिकल नर्व सेल्स लगे हैं, विद्युत देखो लिखा है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ये इंफॉर्मेशन किसको भेजेंगे, हमारे मस्तिष्क को, और हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे किसी चीज को, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाए, सिलेरी मसल्स इस लेंस को ज्यादा टाइट खींच ले या ज्यादा ढीला छोड़ दे, तो या तो इमेज पहले बन जाएगी या बाद में बन जाएगी। अब आप सभी अच्छे से अपने दिमाग को पॉइंट यहां लगाएं कि व्हाई इट इज सो कॉल्ड दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में नजर तो पास की हमारी कमजोर होती है, तो फिर दूर क्यों बोलते हैं, आज के बाद मैं दोबारा किसी को नहीं बताऊंगा, और अगर किसी ने कमेंट में पूछा तो फिर वो प्लीज वो मुझे फॉलो करना छोड़ दे,
दस बार बताने का बात स्टूडेंट को अगर समझ में आता तो वो किसी काम का नहीं है, तो कंपटीशन में क्या करेगा। एक बार पूछ सकते हैं, दो बार पूछ सकते हैं, तीन बार पूछने में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इतना हमने क्या माइंड डेवलप कर लिया कि दस बार में समझ नहीं आ रहा है। तो अभी मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूं, कल भी मैंने दो तीन बार बताया था, व्हाट इज सो कॉल्ड दूरदृष्टि दोष, जबकि नजर कहां की कमजोर होती है, पास। पास का मतलब अप टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तक अगर किसी को प्रॉब्लम है, कितना होता है ना 50, पता है ना आपको, हथेली तक, तो आपकी पास की नजर कमजोर है। कहते क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब अब यहां से समझ में आएगा, अगर हमारा लेंस, ध्यान से समझो, जरूरत से ज्यादा खींच दिया जाता है सेलेरी मसल्स के द्वारा, तो वो होना चाहिए था ज्यादा कॉन्वेक्स, और खींचने के कारण वो हो गया कॉनकेव, इसीलिए इमेज पर्दे के पीछे चला जाता है या दूर बनती है इमेज। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। अभी समझ में आया सबको, ध्यान रखो, फिर मैं पढ़ाता हूं, लेकिन अगर कोई एकदम अलग रिस्पॉन्स करता है तो फिर मुझे बिल्कुल वो मजा नहीं आता है, वो आदमी फिर मुझसे ना पढ़े, मुझे फॉलो ना करे। दो बार तीन बार पूछने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो फिर क्या फायदा है। इसलिए प्लीज अगर जरा सी भी रिस्पेक्ट है तो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। हम कोई ऐसा भी ऐसा गुरु दक्षिणा नहीं मांगेंगे भाई अपना अंगूठा काट के अपने को दे दो। इतना ही गुरु दक्षिणा है कि आपने जो भी कोर्स लिया है उस कोर्स को सीरियसली समझ लो आप, ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। ठीक हो गया, तो ये दूर है तो दूरदृष्टि दोष है, और ये निकट है, बट प्रॉब्लम कहां आएगी इसमें, इसमें हमें दूर की चीजें साफ नजर नहीं आएंगी। ठीक हो गया, मतलब होना क्या था, जब हम कोई दूर का दृश्य देख रहे थे तो इस लेंस को क्या होना चाहिए था, आप लोग बताइए, दूर की चीजें देखने के लिए लेंस को कंकेव होना चाहिए था, बट सिलरी मसल्स वीक थी, इन्होंने ढीला छोड़ दिया लेंस को, तो ज्यादा कन्वेक्स हो गया है, और ज्यादा कन्वेक्स होने के कारण इमेज जो पर्दे पर बनना था, रेटिना पर बनना था, वो रेटिना से पहले बन गया, इसलिए धुंधला दिखता है। और इसको ठीक करने के लिए फिर क्या करेंगे, कन्वेक्स ज्यादा हो गया, इसको वापस किसकी तरफ लेकर जाना है, कंकेव की तरफ लेकर जाना है, तो जिसको भी निकट दृष्टि दोष है आगे कौन सा लेंस लगा देंगे, कंकेव लेंस लगा देंगे, पावर दोनों की मिलकर रेगुलर हो जाएगी और ये इमेज कहां चली जाएगी, पर्दे पर चली जाएगी। आगे बात समझ में, तो जिसको भी निकट दृष्टि दोष है उसको दूर का नहीं दिखता, और दूर की नजर ठीक करने के लिए हम चश्मा लगाते हैं, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, जिसको कॉपी में पढ़ा हुआ साफ नजर नहीं आता, नोट बढ़िया क्लीन बना रखे साफ दिखता नहीं है, वो कन्वेक्स लेंस लगाता है, उसका नाम दूर दृष्टि दोष। अभी समझ में आया, मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश की समझाने की, तो प्लीज थोड़ा अगर ग्रेटिट्यूड रखते हैं अध्यापक के लिए तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक हो, नहीं तो 10 बार 20 बार पढ़ते रहो क्या, उसका तो मुझे नहीं लगता कोई सिलेक्शन आएगा, आगे होने के चांसेस है। अपना रिएक्शन टाइम शुड बी वेरी वेरी लो, मैंने कल बताया था, रेस्पॉन्स तुरंत आना चाहिए, ऐसा नहीं बैठे हैं बस 2+2, कई होते हैं स्टूडेंट, हाँ भाई 2+2, हाँ जी 4, क्या बताया 10 सेकंड के बाद बताया तो क्या बताया, रिएक्शन टाइम तुरंत 2+2 4, ऐसे ही कॉम्पिटिशन में आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया इसका यूनानी नाम है, यानी यूनानी मैंने कल बताया था ना, ग्रीक वर्ड है, और निकट दृष्टि दोष मायोपिया। ठीक हो गया, अगेन इसका ये आप पढ़ लेना, इसमें सब दिया हुआ है जो हमने बातचीत में करा है। फिर है प्रेस बायोपिया, अगर इसको जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं कि भाई कोई वृद्ध वयोवृद्ध है, जरा यानी बुढ़ापा, वृद्ध में आपने देखा होगा कई दफा पहले ऐसा होता था, अभी दो दो चश्मे रखते थे दादाजी, बट अभी मतलब मैं तो यही विश करता हूं कि दादाजी की आंखें ठीक हो, बट अगर किसी के घर में कोई ऐसे वयोवृद्ध ज्यादा हैं, उनको दिखने में समस्या हो रही है, तो पुराने समय पर तो दो चश्मे लगाने पड़ते थे, बट आजकल किस प्रकार के चश्मे हैं, उस लेंस में दोनों लेंस कंबाइन है, देखे होंगे आपने इस प्रकार के लेंस, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या दुनिया में रहते नहीं आप, कई लोग कहते नहीं सर मैंने नहीं देखा, इसका मतलब वो कहां से आया है, आया होगा चंद्रयान 3 के जरिए कहीं इधर उधर मंगल ग्रह कहीं और से आया होगा। इस प्रकार की चीजें जो हमारे सामान्य जीवन में होती हैं वो देख नहीं पा रहा, तो फिर वो कहां कहां देखता है वो। ये वाला जो नीचे वाला लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। कहीं आपने देखा होगा कभी आप किसी किरियाने की बड़ी दुकान में गए तो सेठ जी काउंटर पे बैठे होते हैं, ऐसे देखते हैं, हाँ भाई क्या चाहिए, तो
जब उनको पढ़ना होता है अपना बही खाता तो वो देखते हैं कन्वेक्स लेंस, और कोई दूर की चीज देखनी होती है वो कि देखते हैं कनकेव लेंस से। तो ये ठीक हो गया, तो दोनों लेंस कंबाइन हो गए, ठीक हो गया। इसीलिए इसको किससे क्या लिखा है यहां, द्विफोकस, दोनों है ना इसमें, इसलिए द्विफोकस, दो प्रकार के लेंस, ठीक हो गया। इसको बाइफोकल लेंस भी कहा जाता है। तो अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। हाँ, तो ये कॉमन से डिफेक्ट है जो हम सबको पता होने चाहिए। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनने का पूरा पूरा संभावना है। तो क्या है ये, ध्यान देते हैं। इसे बेलनाकार लेंस द्वारा दूर किया जाता है। कौन सा बेलनाकार लेंस किसके लिए इस्तेमाल होता है? अभी तक तो हमने ये समझा भाई, किसी को दूर की नजर कमजोर है, किसी को पास की, और किसी को दोनों। तो एक हो गया दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक जरा दृष्टि दोष, ठीक हो गया, दोनों जिसमें प्रॉब्लम है। एक और भी प्रॉब्लम है, इट कैन बी रिकवर्ड बाय सिलेंड्रिकल लेंस, जिसको एस्टिगमैटिज्म कह देते हैं, या अबिंदुकता, अबिंदुकता पढ़ेंगे, या पिक्सल प्रॉब्लम भी कह देते हैं। वो ओरिएंटेशन, मतलब वो चीज जहां है वहां तो दिखाई देगी, लेकिन वो हो सकता है शेप एक्चुअल में ऐसी है लेकिन आपको कैसी दिखाई दे रही है, ऐसी है। तो उस चीज को रिकवर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस। तो क्वेश्चन क्या बनता है, किसी को पिक्सल प्रॉब्लम है या अबिंदुकता है, एस्टिगमैटिज्म बीमारी है, तो किस लेंस से दूर किया जा सकता है? सिलेंड्रिकल लेंस से दूर किया जा सकता है, बेलन जैसा लेंस। और वो क्यों होता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर शेप ऑफ लेंस। भाई कुछ जन्म से कुछ वो लेंस जो कन्वेक्स था ये ज्यादा बेंड हो गया, कुछ ऐसा बायोलॉजिकल डिफेक्ट था, भाई ज्यादा उभर गया कहीं से। तो अगर वो लेंस प्रॉपर नहीं होता है तो उसी साइड वैसा ही उभार देकर बेलन जैसा लेंस बनाया जाता है, और हमारी तब पिक्सल प्रॉब्लम ठीक हो, यानी वो आपको ऐसा दिख रहा था, बेलनाकार लेंस लगाने के बाद वो ओके हो गया, ठीक हो गया। और भी कुछ बीमारियां हैं, रतौंधी और वर्णांध। रतौंधी यानी रात का अंधा या कम प्रकाश में ना दिखना, और कलर ब्लाइंडनेस यानी रंग का अंधा, जिसको रंग प्रॉपर वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा इसका समझेगी कि उसका जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कहां से काम कर रहा है। देखिए जब भी कभी बात आती है, ये मैंने बताया था आंख में इस प्रकार की है, ये मेरा लेंस है, ऐसे समझो लेंस के पीछे क्या है, रेटिना है। तो यहां तो रेटिना है, तो ये वाला जो पोर्शन है लेंस के जो ऊपर नीचे वाला साइड है, यहां पर करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं कॉर्न सेल्स और रॉड सेल्स। ध्यान रखना है, जिसके भी आंख में रॉड सेल्स में समस्या है किसी कारण से, रॉड याद रखना, रॉड यानी छड़ कोशिकाएं, क्योंकि सीधी हैं ये, इनकी शेप के कारण इनका नाम है छड़ कोशिकाएं। तो जो छड़ कोशिकाएं जिसको प्रॉब्लम है उसको क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। वो जो आंख में प्रकाश जाता है उस प्रकाश को वो डिम समझता है, ठीक हो गया। अब जैसे कई दफा कई लोग होते हैं क्लास में लाइट पूरी होगी लेकिन उनको कम कम दिख रहा होगा, जैसे आंख बंद करके हमें दिखता है ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा, उनको आंख खोलकर उतना दिखता है। तो इसका मतलब आंख में कौन से सेल्स कम है, छड़ कोशिकाएं, रॉड सेल्स कम है, और उसको बीमारी क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। शाम के बाद उसकी बत्ती बंद, मतलब कहीं इधर लाइट कम होगी तो फिर वो उसको लेकर जाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। ये रिकवर किया जा सकता है स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में आपको समझ में आता है कि कुछ ऐसा दिक्कत हो रही है, आई साइड वीक हो रही है, आपको पता है विटामिन ए, विटामिन ए रॉड सेल्स को कंट्रोल कर सकता है, ठीक हो गया। तो अगर किसी को भी बोल रहे भी नेत्र ज्योति थोड़ी कमजोर है तो क्या बोलो, क्या खाने के लिए, विटामिन ए, इसका नाम क्या, रेटिनॉल। आपको याद रहेगा विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, एग्जाम में पूछ सकता है, रेटिना से रेटिनॉल नाम याद रहेगा। और सबसे सरल है विटामिन ए के प्रोडक्ट याद रखना, जो भी येलो ऑरेंज कलर के हैं, थोड़ा रेडिश है, सब में विटामिन ए होता है। वैसे विटामिन ए के प्रचुर जो स्रोत हैं वो अलग अलग, हम अलग अलग प्रकार की चीजें पढ़ते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज मैं बता रहा हूं आपको अभी के लिए, जब विटामिन की क्लास आएगी तब की तब देखेंगे। कॉमन वे, क्या आम में विटामिन ए होता है, बिल्कुल, बनाना में होता है, बिल्कुल, यानी जो भी उपचार कवर से येलो है, फ्रूट ब्राउन, नॉट ब्राउन,
ऑरेंज कलर है, रेडिश, क्या एप्पल में होता है? बिल्कुल होता है। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। इसके प्रोडक्ट की बात, ये लिखे हुए देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी घटते क्रम में। सबसे ज्यादा अगर पूछता है, चार ऑप्शन है, गाजर सबसे बढ़िया है, तो जब ठंड आएगी अपना बढ़िया से गाजर का जूस पीना, आंख की अगर कोई ऐसी समस्या दूर हो जाएगी। गाजर के बाद मक्खन, हरी सब्जियां, ज्यादातर हरी सब्जियां जब लिखते हैं तो लीफ वेजिटेबल, पत्ते वाली सब्जियों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, मेथी, पालक, और आप जानते हैं बाकी सेब में भी होता है और एग्स अंडों में भी होता है। नाउ वर्ण अंध, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति को आगे दिखाओ, भाई ये देखो ये रेड कलर है, हाँ वो बोलेगा हाँ हाँ जी ये रेड कलर ही है, लेकिन जब उसको गहरा लाल और थोड़ा कम गहरा लाल, मतलब ये करेक्ट है, वो दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। और आपको पता है फौज में या बेल्ट की नौकरी के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी वो व्यक्ति अनफिट माना जाता है, जो कलर नहीं पहचान पाता है करेक्ट। और इसमें दिक्कत क्या है, उसको खुद नहीं पता होता है कि मैं कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट हूं। तो आप लोग ये आजकल टेस्ट खुद भी कर सकते हैं, आपको पता है कई प्रकार के गूगल में कलर ब्लाइंडनेस इमेजेस होती हैं, सर्च करें इंटरनेट पे और देखें, उसमें लिखा होगा भाई इसमें पहचानो हल्का लाल, यानी लाल में लाल पहचानना। और आपको ध्यान रखना है प्राइमरी कलर जो होते हैं आरजीबी, कभी क्वेश्चन आ जाए कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट भी किस रंग को बखूबी पहचान सकता है, ब्लू कलर को। फेसबुक के संस्थापक का नाम आप लोग जानते होंगे, क्या नाम है भाई बताइए? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग एक ज्यूइश है, यहूदी व्यक्ति है, हो गया ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आगे कहीं से क्या क्वेश्चन बनता है भाई, ज्यूइश का यहूदियों का देश कौन सा है? इसराइल। तो वैसे वो अमेरिका में रहते हैं, आप उनको इसराइल में मत भेज देना। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी व्यक्ति थे, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो जो भी कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट है वो ब्लू कलर पहचान सकता है, तो इसीलिए शायद फेसबुक का लोगों क्यों कैसा दिया गया ब्लू, कहता भी हमारा तो मालिक ही पहचान नहीं पाता है लाल रंग या हरे रंग में, गड़बड़ कर देगा, इसलिए ब्लू लोगो बना देते हैं। सर के पास जाएंगे एटलीस्ट पहचान तो लेंगे हमने क्या बनाया है। मैं वैसे मजाक में कह रहा हूँ, किसी को बेइज्जती में नहीं लेना कि सर मेरा वो चाचा लगता है मार्क जुकरबर्ग, आपने बेइज्जती कर दी। तो ठीक हो गया, आरजीबी, रेड शिफ्टेड टू ग्रीन एंड ग्रीन शिफ्टेड टू रेड। कभी ऐसा पूछे कलर ब्लाइंड में लाल धीरे धीरे किसकी तरफ शिफ्ट होगा? ग्रीन की तरफ, और ग्रीन धीरे धीरे किसकी तरफ शिफ्ट होगा? रेड की तरफ। पता लगा रेड सिग्नल हो गया, अब उसको रेड प्रॉपर रेड नहीं दिखेगा, उसको थोड़ा थोड़ा ऑरेंज दिखेगा, कहता जी ऑरेंज लाइट है अभी तो, मतलब येलो लाइट है, वो पता नहीं क्या करेगा, डिफेंस में भेज देंगे, कहां गोली चलानी होगी, नहीं चला देगा वो। तो वो ऐसी सेंसिटिव जगह पर, इसलिए उनको लोग नहीं रखते हैं। ठीक हो गया, तो कौन से सेल्स के कारण होता है कलर ब्लाइंडनेस? डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्न सेल्स, शंकु कोशिकाओं की कमी, और ये रिकवर नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी यही है, ठीक हो गया, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस अपने को मिल गया, ठीक नहीं हो सकता है, उल्टा ये आने वाली पीढ़ियों तक ट्रांसफर हो सकता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर का रूप ले सकता है। मतलब 100% नहीं है कि जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। तो इस दोष का कारण शंकु कोशिकाओं का अभाव, ठीक हो गया, और अधिकतर विपरीत लिंग में आता है। ये बात समझने वाली है कि अगर वो ज्यादा चांसेस की बात करते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसी बेबी बॉय, छोटे लड़के को कलर ब्लाइंडनेस मिला है, तो किसके पक्ष से आने के चांसेस ज्यादा हैं, उसके मदर पार्ट से, उसके फादर पार्ट से? बेबी बॉय, तो विपरीत लिंग के ऑर्डर से चलना है, मदर पार्ट से आने के चांसेस ज्यादा हैं, परसेंटेज वाइज ज्यादा परसेंटेज कहां मिलेगा? मदर साइड से। और कोई बेबी गर्ल है तो फादर साइड से चांसेस ज्यादा है। ठीक हो गया, तो इस प्रकार की चीजें अपने को ध्यान रखनी है। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे। एक टेबल है, ये टेबल मैं चाह रहा था आप लोग सभी अच्छे से समझ लें। वैसे तो इस टेबल को समझने में कई लोगों को सालों लग जाते हैं, कहता जी कितने साल से पढ़ रहा है, कहता जी 10th में पढ़ी, फिर 11th में भी मैंने आगे नॉन मेडिकल ले ली, 12th में भी पढ़ी, समझ नहीं आई। गलत लॉजिक लगाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, वस्तु वहां रखी हुई है, सेंटर पर रखी हुई है, फोकस पर रखी, साइज क्या बनेगा? आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, दुनिया भर के क्वेश्चन पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हम सब लगे हुए रट्टा मारने में, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण,
अभी मैं आपको एक बहुत बहुत आसानी से, अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पुरानी क्लास देखकर यहां आए, तब आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। उत्तल लेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसकी वर्किंग प्रॉपर्टी अवतल दर्पण के बराबर होती है, यानी मैं जो टेबल आपके सामने रखूंगा ये वैसे कन्वेक्स लेंस की है लेकिन ये एग्जैक्टली सेम है इसके पॉइंट लोकेशंस अवतल दर्पण जैसा। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, यानी जो दूसरी टेबल है वो बनेगी अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण। और वैसे यानी अगर बुक्स में देखेंगे तो कितनी टेबल मिलेंगी आपको, चार टेबल मिलेंगी, लेकिन आप तो अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो आपको तो थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, गागर में सागर भरना आना चाहिए, तो आप बहुत कम में ही ज्यादा कवर करने वाले हैं। आप केवल उत्तल लेंस में पढ़ा रहा हूं आपको टेबल, आपको चारों टेबल याद आ जाएंगे क्योंकि हमने उत्तल लेंस को किसके सामने रख दिया, अवतल दर्पण के सामने। तो देखिए ठीक हो गया, मतलब अगर वो 96% एक्यूरेसी दे देता है, मतलब कुछ जगह ऐसा आपको मिल जाएगा जैसे मैंने यहां पर लिख दिया छोटा, तो वहां ऐसा लिखेगा भाई डिमिनिस्ड ऐसा लिख देगा, बट वो आप समझ जाएंगे कि भाई वो डिमिनिस्ड है, धुंधली है, छोटी है, इस प्रकार की चीजें आप थोड़ा अंतर कर पाएंगे। नहीं तो आप बुक से मैच करें, दोनों की टेबल सेम है। अब क्या है ध्यान देना है, इसका सबसे मेन पॉइंट समझा रहा हूं अभी। ये आंख, ये लेंस मान लो हमारी आंख का लेंस है, मेरी आंख का लेंस है, और इमेज कहां बनती है, रेटिना पर। रेटिना इसको मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, ये सेंटर को, और कोई वस्तु कहां रखी हुई है, अभी हमने सामने रखी है। जब वस्तु मेरे यहां सामने आंख के, हमें बराबर कब दिखता है पहले ये समझो, वस्तु का आकार बराबर होगा जब कोई वस्तु मेरे आंख के लेंस के सेंटर पर होगी। और आपको मैंने बताया था ऑन एन एवरेज कितना होता है सेंटर, एवरेज हमारा 50 सेंटीमीटर होता है। उम्र के हिसाब से किसी का लेंस छोटा बड़ा होता है तो वो आप जोड़ लेना घटा लेना, कोई 50 सेंटीमीटर एग्जैक्ट होगा, कोई 40 होगा, लेकिन एवरेज औसत कितना है 50। तो 50 हम क्या मान रहे हैं, मेरी आंख का ये लेंस। यानी मार्कर का जो एग्जैक्ट साइज है ना, बड़ा ना छोटा, अगर वो देखना चाहते हो तो लेंस से कहां रखूंगा, सेंटर पर रखूंगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट, ये जो हमने लगाया ना एक नंबर, जब ऑब्जेक्ट सी पर है यानी मार्कर सी पर है तो इमेज कहां बनेगी, एक नंबर पर ही बनेगी, यानी सी पर बनेगी। साइज कैसा होगा, बराबर होगा। इस पॉइंट को जो समझ गया वो चारों टेबल समझ जाएगा। देख रहे हैं आप, हमने चारों टेबलों को कंबाइन करके पहले दो टेबल में कन्वर्ट किया और अब दो टेबल से भी रिड्यूस करके सिर्फ एक पॉइंट समझ लो आप, पहले वाला पॉइंट सब समझ में आ जाएगा। अगर कोई वस्तु सी पर, इमेज कहां बनेगी, सी पर बनेगी। कैसी बनेगी, बराबर बनेगी, ना बड़ी ना छोटी। तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, उत्तल लेंस में कोई वस्तु बराबर दिखती है किस पॉइंट पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस का डबल। सेंटर ऑफ कर्वेचर कल बताया था वैसे, अगर कोई मिस कर दिया हो किसी ने, देखो ये गोला है, गोल लेंस मान लो आप इसका, ये क्या है इसका सेंटर, तो ये क्या है इसका फोकस। तो अगर आपको पता है फोकस कितना है 25, तो सेंटर कितना है 50। और आपको और बाकी चीजें सेंटर के बारे में आती होंगी, कभी ऐसे पूछ ले किसी लेंस का पैरामीटर बताओ, आप निकाल देंगे, मैथ्स के फॉर्मूले से होते हैं भाई, परिमाप क्या होता है 2πr, और किसी लेंस का एरिया बताओ तो πr स्क्वायर, r आपको पता है कितना है, r 50 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये ध्यान, r मींस रेडियस, त्रिज्या। तो जो नॉर्मल मैथ्स में फॉर्मूले लगाते हैं सर्कल के लिए, वही यहां लेंस के लिए लग रहे हैं। ठीक हो, अगर आपको ये भी पता है 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस। अगर आपको फोकस पता लग जाए तो आपको पावर पता लग जाएगी। तो वास्तविक और उल्टा, ये आपको लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, कन्वेक्स लेंस जो भी प्रैक्टिकल इमेज बनाता जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। मैं किसी वस्तु, कोई व्यक्ति को देखो, कभी आप ना किसी व्यक्ति के बहुत नजदीक ऐसे हाथ कर देंगे तो बहुत नजदीक में भी दिखाई नहीं देता है। अगर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा आप चले जाएंगे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्यादा नजदीक आना शुरू हो जाएंगे तो फोकस तक तो दिखेगा आपको, लेंस के फोकस तक तो दिखेगा, और जैसे फोकस के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे वो उल्टा साफ दिखने के बजाय धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। तो धुंधला दिखना शुरू हो गया मींस वो वर्चुअल हो गया। तो ये इमेज एक लौती इमेज ऐसी है जो कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में कैसी बनती है, वर्चुअल, यानी धुंधली धुंधली, और वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो कभी ऐसी कोई बात आ जाए, क्या कन्वेक्स लेंस में कभी वर्चुअल इमेज बन सकती है, बन सकती है, बट हम उसका यूज नहीं करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना भाई, बुक्स को थोड़ा नजदीक से पढ़ा करो, अब कोई ज्यादा सीरियसली हो जाए ऐसे पढ़ने लग गया हो तो क्या उसको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो
अगर फोकस से भी आगे आगे निकल जाएगा तो बड़ा तो दिखेगा, लेकिन वो जब रेजोल्यूशन ही क्लियर नहीं होगा, मींस वर्चुअल इरेक्ट होगी, तो वो क्या पढ़ पाएगा। बात समझ में आ गई। अब केवल ये ध्यान रखना है, ये टेबल आगे कैसे रोटेट करनी है। सीसी, इसको ऐसे ये फिक्स कर लो पॉइंट, जैसे ट्रक के दो टायर हैं, इनके बीच की दूरी बदल नहीं सकती, ट्रक कहीं भी चलता रहे। यानी पॉइंट नंबर एक, यदि वस्तु एक पर है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, एक पर। अब शिफ्टिंग करनी है, केवल आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्टिंग करो, सी से आगे आ जाओ, तो कहां आ गए, नंबर दो पर आ जाओ। तो नंबर दो पे अगर यहां जाएंगे भाई, ये अगर आगे आया तो ये कहां जाएगा, यहां पर, बिकॉज हमें इन दोनों के बीच की दूरी को कांस्टेंट रखना है। बहुत सिंपल है, इसके लिए बहुत अल्बर्ट आइंस्टीन बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, वो हमारा कई सालों का काम आसान कर देगी अगर अभी आपने अच्छे से ध्यान दिया। नहीं समझ में आए, क्लास फिर से देखो 100% मैं आपको गारंटी लेता हूं, इसके बाद कभी भी लेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आए आपको, सेंटर और एफ के बीच में आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये जो नंबर एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमने जो ये एरो बनाया, ये वस्तु ऑब्जेक्ट है, कहीं भी जा सकता है। तो जब वस्तु वन पर थी तो इमेज कहां बनी, वन पर ही बनी। उल्टा तीर क्यों दिखाया है, क्योंकि ये रियल एंड इनवर्ट, उल्टी इमेज बनती है, बट दिमाग उस उल्टी इमेज को सीधा पढ़ता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए रेटिना पर बनने वाली इमेज कैसी होती है, उल्टी, लेकिन दिमाग उसको सीधा कर लेता है, रियल एंड इनवर्टेड, ऑप्टिकल नर्व सेल उसको सीधा करके दिमाग को भेजते हैं। तो अगर हम नंबर दो पर चले जाते हैं, देखो नंबर दो पर, तो इमेज कहां आ गई अभी, सी से, ये देखो ये सी है, ये एफ है, यानी फोकस कैसे निकालते हैं ये भी आप जान सकते हैं भाई, ये हमने गोला बना दिया, तो गोले का क्या है, सेंटर, ये भी एक गोला बन गया, ये गोले का क्या है, सेंटर, भाई दो गोले हैं तो दो सेंटर होंगे। अब सी का हाफ कर देंगे तो ये क्या है, फोकस, ये इसका फोकस है। समझ में आया, ये हमने अपने मन से नहीं बनाया कि भाई सर के मन में आ रहा होगा इसलिए कहीं भी कोई पॉइंट बिठा दिया, ऐसा नहीं है, ये बहुत बहुत बारीकी चीज है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। दुख की बात है, ये पता नहीं, और फिर बड़ी बड़ी बातें होती है भाई, फोकस ये होता है, क्वेश्चन करो, न्यूमेरिकल करो, क्या करेंगे जब यही नहीं पता है अपने को। तो अगर कोई वस्तु सी पर है, इमेज उसकी कहां बनेगी, सी पर बनेगी, क्लियर हो गया, इसको बस शिफ्ट करना आपको, लेकिन सी और सी के बीच की दूरी कभी घट बढ़ नहीं सकती है। अगर एक कदम आगे आएगा तो एक कदम पीछे जाएगा, एक कदम और आगे आएगा तो एक कदम और पीछे जाएगा। तो देखो ध्यान से, सी पर था तो ये वस्तु सी पर ही है, ये सी और एफ के बीच में आ गया, तो ये सी से परे क्या बोले जाएंगे, आफ्टर सी चला गया, ये दो नंबर आफ्टर सी, यहां देखो आफ्टर सी। और कोई भी वस्तु, ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा, अगर यहां बराबर था, एक कदम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक हो गया, नेचर वही रहेगा, नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, वास्तविक और उल्टा रहेगा। उसके बाद एक कदम और आगे आ जाओ, फोकस पर, फोकस पर किसी वस्तु का मैक्सिमम साइज दिख सकता है, उससे ज्यादा बड़ा वस्तु का साइज किसी पॉइंट पे नहीं दिख सकता। फोकस यानी हमारी आंख के लेंस का एवरेज फोकस कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो जो हम किसी वस्तु को बड़ा करके देखना चाहते हैं, अगर आपको पता हो माइक्रोस्कोप में जब देखा हो कभी आपने, वो फोकस पर अगर रख दें आप, तो फिर वो बैक्टीरिया आपको बड़े बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। बड़े बड़े का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान रखना है आपको, जिससे और बड़ा नहीं बन सकता है, बोथ आर डिफरेंट। कहता जी बड़ा और बहुत बड़े में क्या अंतर है, वो तो एक ही जैसा है। नहीं, बड़े का मतलब अभी कसर है, वो और बड़ा हो सकता है, और बहुत बड़े का मतलब वो और बड़ा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम साइज हेयर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा लार्ज। कहता जी डबल एक्स्ट्रा, वो बेवकूफी है, वो उससे बड़ा नहीं होता है। ध्यान रखना है किसी लेंस के लिए, हाँ लेंस चेंज कर दे तो बात अलग है, लेकिन किसी लेंस के लिए अगर आपने कहीं लिख दिया, मैक्सिमम साइज कहां बनता है, फोकस पर, और इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी मींस, इंफिनिटी का क्या अर्थ है, इंफिनिटी यानी, कहते जी इंफिनिटी तो इंफिनिटी होती है, तो माप भी कहां जाती है। अगेन यहां पर एक मिस्टेक है, गलती है, ये एक प्रकार का क्या बोलते हैं आप, फ्रेजल वर्ड, लोकोक्तियां जैसे होती है ना भाई, कहती कुछ है होता कुछ और, अभी गंगा गया गंगा राम, जमुना गया जमुना दास, तो जी गंगा में केवल गंगा राम कहीं नहाएंगे, यमुना में केवल यमुना यमुना दास, ऐसा नहीं है, ये लोकोक्ति है, ऐसे ये भी एक फ्रेजल वर्ड है। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं, वो तो अनंत पे चला गया, यानी जहां लास्ट इमेज बन सकती है मैक्सिमम, वही तो हमारी लिमिट है आखिरी, ठीक हो गया। ये बात ध्यान रखनी है, लास्ट फाइनाइट पॉइंट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत दूर खड़ा है, कभी वैष्णो देवी की यात्रा में गए हो आप,
तो आदमी हमें कितना कितना दिख रहे हैं पहाड़ी से, इतने इतने, तो थोड़ा भी दूर हो जाए तो आदमी दिखना बंद हो जाता है। तो जब मुझे कोई व्यक्ति इतना दिख रहा है डॉट साइज में, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापी नहीं जा सकती, तो कहां पर है व्यक्ति? इंफिनिटी पर है। ध्यान से समझो उस चीज को। अगर वहां से वो तीन चार कदम पीछे चला जाता तो मेरे लिए क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। तो लास्ट फाइनाइट पॉइंट इज कॉल्ड इंफिनिटी। गड़बड़ मत कर देना, कहता जी इंफिनिटी मतलब वो अनंत जो मापा ही नहीं जा सकता। अगर मापा नहीं जा सकता तो यहां क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात आपको पता लगी अगर ये बात आपको पता नहीं थी तो। हेयर इंफिनिटी इज ओनली अ फ्रेजल वर्ड, एक लोकोक्ति वाला शब्द जो एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं है, जो वास्तविक अनंत की बात नहीं कर रहा है। ठीक हो गया। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ग्रिप ढीली नहीं करनी है, टॉपिक अंडर कंट्रोल होना चाहिए। हमें अपने मन को इधर उधर भागने नहीं देना है। ठीक हो गया। मन को अपना गुलाम बनाओ, क्योंकि मन किसके काबू आ सकता है? बुद्धि मस्तिष्क के। और वो टॉपिक को समझो कि भाई अगर फोकस पर आ गए तो देखो ये नंबर क्या लिखा है, तीन। तो ये नंबर तीन कहां है? अनंत पर आ गया, मैक्सिमम साइज बन गया। उसके बाद वापस उल्टा आ जाओ, सी पर वापस आ जाओ। अगेन रेफरेंस पॉइंट इज वन वन। पीछे चलते हैं, आगे की यात्रा है तो हम कर आए। इस पॉइंट को बाद में देखेंगे, छह नंबर पॉइंट को। ये थोड़ा अजीब है, इसको बाद में देखते हैं। जब हम एक नंबर पर आगे फिर वापस जाते हैं, यहां चार पर अगर आगे, चार यानी अगर वस्तु सी से पीछे चली गई तो आकार क्या होगा? हां भाई सारे बताओ। सी से पीछे चली गई तो आकार बढ़ेगा या घटेगा? कोई भी बता देगा। अरे तो बड़ी कॉमन सेंस है, वस्तु जहां थी वहां बराबर दिख रही थी, नजदीक जाएगी तो बड़ी होगी, पीछे जाएगी तो छोटी हो जाएगी। तो जैसे ही वस्तु सी से परे चली जाती है, यानी बिफोर सी, यहां देखो सी से पहले, तो अगर वो वहां चली गई तो ये कहां जाएगी? यहां। तो चार देख रहे हैं, चार यहां पर है तो ये भी चार यहां पर है। सिमेट्री वही रहेगी, आकार जब हम पीछे चले गए तो आकार क्या हो गया? सी से पहले छोटा हो गया। बात समझ में आ गई? छोटा, नेचर वही रहेगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद मैंने बताया आपको वस्तु को बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब लास्ट फाइनाइट पॉइंट। एक होता है दूर, एक होता है बहुत दूर। दूर का मतलब अभी वो सबसे अधिक दूरी पर नहीं है, और बहुत दूरी का मतलब जहां पर वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापी नहीं जा सकती, उसको बोलेंगे छोटा की बहुत छोटा। आप लोग बताइए, जब किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापी नहीं जा सकती, उसको छोटा बोलेंगे बहुत छोटा बोले? बहुत छोटा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड वेरी स्मॉल एंड लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। गड़बड़ कर देंगे तो हमारे नुकसान है। कई दफा हम, कई आपने देखा ना, स्टूडेंट कई ऐसे होते हैं जैसे टीचर पर एहसान कर रहे हो पढ़ते हुए, ना जी मजा नहीं आ रहा जी। तो भाई मजे अगर जिंदगी के लेने हैं तो वास्तव में हमें सेलेक्ट होना है। वही वास्तव में जब आपको एक फिक्स इनकम आ रही हर महीने आपको 70-80 हजार रुपए, तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं, सोसाइटी में रेस्पेक्ट हो जाता है, आप अपने आप को प्रूव कर देते हैं। इसलिए किसी के ऊपर आपको एहसान नहीं करना है, अपने ऊपर एहसान कर लो वही बहुत है। तो हमें लगता है ना, मैं टीचर के ऊपर मैंने पढ़ लिया, मैंने कोर्स ले लिया, टीचर पर मैंने एहसान कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं कभी भी कुछ हासिल नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। हम केवल लूजर बने रहेंगे। अगर हमें विनर बनना है तो अपने लिए पढ़ना है, किसी पर एहसान नहीं करना, अपने ऊपर एहसान करो ना यार। अभी कहां हम बहुत बड़े बिल गेट्स बन गए? टॉपिक को समझना है। मुझ पर एहसान नहीं होगा, आप लोगों का टीचर पर एहसान हो जाएगा, मैंने समझ लिया ये, वाजपेयी सर ज्यादा फेमस हो जाएगा समझो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं समझोगे तो आप ही डूबने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार आपको नेगेटिव मोटिवेशन देता हूं, और पॉजिटिव देने वाले तो बहुत बैठे हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन ये कर दो वो कर दो। डराकर भी अगर जंग जीती जा सकती है तो भाई जीतेंगे हम। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर अगली क्लास में किसी कमेंट में किसी ने लिख दिया कि सर छोटा और बहुत छोटा एक होते हैं, तो फिर अगर कभी ऑफलाइन कभी तुम मिलोगे तो मेरे से दूर ही रहना फिर। ठीक हो गया। मैंने अभी 10 बार बता दिया आपको, छोटा बहुत छोटा, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, और भी अलग अलग एग्जांपल देकर बता दिया आपको। ठीक हो गया। तो इतना भी कमजोर दिमाग नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं बोलता हूं जिसकी जिसकी लंबाई चौड़ाई, जैसे आजकल मोबाइल फोन में एंटीना है कि नहीं, सभी लोग बताएं अभी फटाफट, मोबाइल निकालो फटाफट। हाँ भाई आप देख रहे होंगे भाई सर तो मोबाइल की ऐड कर रहे हैं, भाई ऐड कुछ नहीं कर रहा, खाली ये बता रहा हूं आजकल मोबाइल फोन में एंटीना है कि नहीं है, जल्दी बताओ बताओ एंटीना है कि नहीं है? यस एंटीना है, वेरी गुड।
इसका साइज, इसके आप अगर बुकलेट में देखोगे थोड़ा टेक्निकल उसमें जाओगे कि इसके एंटीना इसको यहाँ कहीं डायग्राम में दिखाई देगा, इसके टेक्निकल उसमें आपको पैम्पलेट वगैरह में मिलेगा। एंटीना है लेकिन कैसा है, कैसा है बताइए, स्मॉल या वेरी स्मॉल? इसका एंटीना मोबाइल फोन में एंटीना है, सभी के मोबाइल फोन में है। ये मत कहना सर मेरा एडवांस है, मेरा तो 5G है भाई, ये भी 5G है, बट इसमें भी एंटीना है। कैसा है एंटीना, स्मॉल या वेरी स्मॉल? वेरी स्मॉल, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई माप सकता है? डॉट होगी इसके अंदर एक, बस ये बिंदी होगी, मापी नहीं जा सकती, देन इट इज कॉल्ड वेरी स्मॉल एंटीना। अब आपको समझ में आ गया, अगर मैं बोलता हूं बड़ा दिख रहा है इसका मतलब अभी कसर और बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम साइज को क्या बोलूंगा, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक हो गया, तो जब वस्तु बहुत दूर है तो कैसी दिखाई देती है, बहुत छोटी। इमेज कहां बनती है, वो शिफ्टिंग आपको याद है, गड़बड़ तो नहीं करोगे ना, ये पॉइंट रेफरेंस के लिए एक बार NCERT का वो बुक टेबल भी देख लेना, ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए, यार मैं तो क्या समझता था क्या निकला, एक ही टेबल में चारों खाने चित्त हो गए, मतलब जो बार बार आपको डराते थे अभी आपने चारों दुश्मन को खत्म कर दिया। मतलब ये जो क्वेश्चंस अगर आपको डराते हैं तो ये कौन है, हमारे एनिमी है, और जब हमारे ये विनिंग पॉइंट्स बनने लग जाते हैं, जब हम उनको जीत लेते हैं, तो फिर हम एक साम्राज्य के राजा बन जाते हैं, हमें राजा मतलब एक हमें पब्लिक सेक्टर में जॉब मिल जाए उतना ही हमारे लिए काफी है। ठीक हो गया, तो इन सारे पॉइंट्स को जीतना है। जैसे हम कभी आज हम क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज आपको पता है कारगिल वॉर का एनिवर्सरी भी है, आज ही के दिन कारगिल फतेह हमने हासिल किया था, जो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और कितने बलिदान हमें देने पड़े, तो हम आज के दिन उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनको सभी को बार बार हम उनको अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं कि भई आपके कारण ये हो पाया। लेकिन उस वॉर के दौरान हमारा क्या लक्ष्य, जितने पॉइंट्स हैं जितने पीक्स हैं सारे हमें कवर करने हैं। तो आपके लिए भी एक हम रेस्पेक्टेड जो फौज के लोग हैं, फौजियों से हम क्या सीख सकते हैं कि जैसे वो सारे पीक कवर करते हैं, भाई टाइगर हिल पर कब्जा हो गया, तोलोलिन पर कब्जा हो गया, कारगिल पर कब्जा हो गया, द्रास पर कब्जा हो गया, जब सारे पॉइंट जीत लेते तो विनर बन जाते हैं। ऐसे ही हम जब सारे क्वेश्चन जीत लेंगे तो हम विनर बन जाएंगे, नहीं तो क्या लूजर है। ठीक हो गया, छोड़ना नहीं है इनको, अगर डराते हैं टाइगर हिल पर कहते हैं एक बार बहुत बुरी पिटाई हुई, फिर दोबारा गए, दोबारा हमने कब्जा कर लिया, ऐसी स्प्रिट करनी है कि भाई ये क्वेश्चन समझ में आए तो क्या है, दोबारा अटेम्प्ट करो, जीत लो। ठीक हो गया, और क्वेश्चन अगर हमारे बस में है तो पेपर हमारे बस में है। ठीक हो गया, समझ में आया। अभी फिफ्थ पॉइंट तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, सिंपली ये ध्यान रखना आपको, सी ये कोई वस्तु यहां पर है, सी नजदीक आएगा तो बड़ा, और नजदीक आएगा तो बहुत बड़ा, अभी और नजदीक आएगा तो ये मत कह देना और बड़ा, वही सिक्स पॉइंट अभी मैं बता रहा हूं आपको। एक बार दोबारा से सभी लोग छह नंबर से पहले आ जाओ, तीन नंबर पर है तो यहां भी कहां बन रही है, तीन पर, यानी वस्तु अगर फोकस पर है तो इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है, और कैसा दिख रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज, मैक्सिमम साइज, बहुत बड़ा, इसके नजदीक ले जाए तो कहता जी और बड़ा हो जाएगा, यार मैं अभी बताया ना मैक्सिमम साइज है वहां पर, तो अगर इसके और नजदीक जाएंगे तो साइज अब उल्टा घटेगा, तो बहुत बड़े से एक कम कर दो, बहुत बड़े को एक कम कर दो तो कितना होगा, एक्स्ट्रा लार्ज से घटाएंगे तो कितना होगा भाई, लार्ज, बड़ा हो जाएगा, पहले बहुत बड़ा था कहीं आपके तो बड़ा हो गया जी। ठीक हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज को एक कम करेंगे तो लार्ज रह जाएगा, और ये पॉइंट क्या है, सिक्स्थ नंबर पॉइंट, इसको कह सकते बिटवीन एफ एंड ओ, लास्ट पॉइंट देखो इस टेबल का, अगर वस्तु एफ एन ओ भी कह सकते हैं, इसको एफ एन पोल्स भी कह सकते हैं, पोल्स यानी ध्रुव, जैसे ये पोल्स हैं दो, अर्थ के जैसे दो पोल, एसएलएस के दो पोल मान लिए हमने, अगर वस्तु एफ एन ओ के बीच में है या एफ एन पोल्स के बीच में, यहां कहीं भी है, आपको बात समझ में आ रही होगी, अगर वस्तु यहां कहीं भी है तो वस्तु कैसी दिखेगी, धुंधली दिखेगी, बड़ी तो दिखेगी लेकिन उस बड़ेपन का फायदा क्या है, यदि हम उसके रेजोल्यूट नहीं कर पा रहे हैं पिक्सल्स को, सब एक दूसरे में गुथा हुआ दिखेगा, जैसे मैं हाथ की रेखाएं दिख रही हैं, बढ़िया साफ दिख रही हैं, अभी दिखने बंद हो गई, समझ में आया क्यों, क्योंकि वो फोकस से भी आगे निकल गया। ठीक हो गया, तो मैंने बताया था ना चरमपंथी नहीं बनना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना चाहिए, तो ये लास्ट पॉइंट है, देखो अगर हम एफ एन ओ के बीच में आएंगे तो ये उल्टा शिफ्ट करेगा, बिकॉज इन्फिनिटी के बाद कोई जगह है, जगह इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, लास्ट फाइनाइट पॉइंट, तो ये पलटी मार जाएगा, अब यानी इसको ऐसा समझो, एक कदम आगे एक कदम आगे एक कदम आगे एक कदम आगे, अब जगह ही नहीं है आप, तो क्या होगा, जैसे एक कदम आगे जाएगा ये पलटी मार जाएगा, इधर आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे बिफोर सी, ये आगे छह नंबर देखो ये कहां आ गया,
वस्तु छह नंबर पर इमेज भी कहां है, उसी साइड बन रही है। ये इकलौती ऐसी इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में जो रियल नहीं होती है, यहां कभी भी प्रकाश मिल नहीं सकता है। समझ में आ रहा है तुम्हें? मैंने आपको कल ही बताया था कि रियल इमेज का मतलब जो पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो क्वेश्चन आ जाए, उत्तल लेंस में कौन सा पॉइंट ऐसा है जो रियल नहीं होता, मींस जिसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। जब वस्तु एफ एन ओके या एफ एन पोल्स के बीच में है तो वो वर्चुअल हो जाएगी, और वर्चुअल इमेज कैसी है यहां पर, इरेक्ट, आभासी और सीधी, आकार बड़ा होगा बट वो हमारे किस काम का है। और ये बिफोर सी सेम साइड, ये बात जरूर नोटिस करनी है यहां पर, सेम साइड। ये इकलौती ऐसी इमेज है जहां वस्तु है उसी साइज पर, उसी साइड पर प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर? तो दो टेबल हमारी कवर हो गई, अब दो टेबल हो रहेगी। तो आपको लग रहा है सर एक घंटा तो इसमें लगा दिया आपने, अब एक घंटा उसमें और लगाओगे आप और गोली दे रहे थे भैया तो फट में हो जाएगा। नहीं, बस इसी टेबल में टाइम लगता है, दूसरी टेबल में अब आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी टेबल क्या है, इसको उल्टा करो। कन्वेक्स लेंस अगर कनकेव मिरर के बराबर है तो दूसरा जोड़ा क्या है, कनकेव लेंस इज इक्वल टू कन्वेक्स मिरर। उसमें केवल दो केस है, ये जो मैंने अलग से लगा रखी है, दो पांच और छह को देखो, मैंने अलग एक सब टेबल के रूप में बनाया है, इसीलिए बनाया था कि आप समझ में आ जाए। उसमें केवल कैसा दिखता है, कल भी बताया था, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर में, माने अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में, या तो आपको कैसा दिखेगा, छोटा या बहुत छोटा, उसके अंदर कभी भी बराबर या बड़ा या बहुत बड़ा नहीं दिख सकता। अगर आपको दिख गया तो कई ऐसे भी हैं, 30 मार खान बताया था ना, सम्राट, सम्राट कौन हमारे लिए, महान महान महान, तो ऐसे भी होंगे सम्राट की, हाँ भाई सर दिख गया मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अरे भाई अच्छे से देख ले, वो साइंस के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने प्रूव कर रखा है कि उसमें कभी भी बड़ा तो बहुत दूर की बात, बराबर भी नहीं बन सकता है। कौन से पेयर में, कनकेव लेंस इज इक्वल टू कन्वेक्स मिरर, उसमें छोटा दिखेगा या बहुत छोटा दिखेगा, और इनमें अंतर आप जानते हैं। तो ये थोड़ा ठीक कर लेना, नहीं ठीक है ठीक है, हाँ 5-6 नहीं है 4-5 है, सॉरी इसको थोड़ा ठीक ध्यान दे लेना, इसको क्या लिखा है, मैं आपको 5-6 कह रहा था, 5-6 नहीं है भैया, 4 और 5 है, जो दूसरी टेबल रह गई उसके ये पॉइंट 4 और 5 है, इसको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा चेंज क्या करना है अभी। वस्तु हमें या तो उसमें छोटी दिखेगी या बहुत छोटी दिखेगी, आपको पता है बहुत छोटी कब दिखती है, अगर हमारे पास वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूरी यानी भाई हमारा दूसरी टेबल में अगर वस्तु इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। हम बना के भी देख लेते हैं, जैसे ये कनकेव है, मैं इसलिए नहीं इसको ड्रॉ करके बता रहा बिकॉज वो हमारे लिए ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बेसिक साइंस में हमें इतने में काम चल जाएगा। ठीक हो गया, लाइट कहां से आ रही, इंफिनिटी से, इमेज कहां बनेगी, एफ पर, ये एफ हो गया, कैसी बनेगी, डॉट इमेज का मतलब क्या होता है, छोटा या बहुत छोटा, बताया मैंने अभी आपको, डॉट बनेगा, फोकस पर एकदम पॉइंट बनेगा तो बहुत छोटा। तो जो दूसरी टेबल है अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में, यदि वस्तु अनंत पर है, इमेज कहां बनेगी, फोकस पर, बहुत छोटी बनेगी, लेकिन वो कभी भी रियल इमेज तो बना नहीं सकता है। तो कैसी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उस टेबल में सिर्फ दो ही पॉइंट्स है, इसमें 6 पॉइंट्स है, उसमें 2 पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, उसमें ये सारी चीजें कंबाइन हो जाएगी, बिकॉज उसमें बराबर नहीं बन सकता, बड़ा नहीं बन सकता, बहुत बड़ा नहीं बन सकता, बड़ा नहीं बन सकता। तो अब क्या है, ले देके क्या बचा, केवल छोटा, बहुत छोटा तो हमने कवर कर लिया, अगर वस्तु इन्फिनिटी पर है मींस बहुत दूर है तो फोकस पर बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। अब अगर बोलते हैं कि वस्तु कहीं भी है एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ध्यान देना है, वस्तु अवतल लेंस में चाहे सी पर हो, सी और एफ के बीच में हो, एफ पर हो और सी से पहले हो, एफ एंड ओ के बीच में, कहीं भी हो, साइज कैसा मिलेगा आपको बताओ, छोटा। नेचर कैसा रहेगा इमेज का, क्योंकि वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, उसके बस का रियल इमेज बनाना है ही नहीं। क्लियर हो गया, यानी दोनों पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम, ये तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, तो कैसा होगा, यहां भी आभासी और सीधा, यहां भी आभासी और सीधा, और बाकी जो ये लिखा हुआ है आपको सी से पहले, यहां पर आपको लिखना है ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी ऑलरेडी आ चुका है, वस्तु को कहीं भी रख दो आप सिवाय इन्फिनिटी के, इमेज कहां बनेगी,
एफ एंड ओ के बीच में बनेगी। ध्यान रखना है ऑप्टिकल सेंटर, यहां जो हमने लिखा हुआ है एफ एंड सी, इसको इसको थोड़ा चेंज करके एफ एंड ओ कर लेना, बाकी इसी टेबल से हमने वो टेबल ड्रॉ कर ली। तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है अब आपको, अवतल लेंस में, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, इसके अपोजिट वाला अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस में वस्तु सेंटर पर है, बताओ इमेज का साइज कैसा होगा, छोटा, कहां बनेगी, आपको पता है एक ही पॉइंट पर बनती है वो, बिटवीन एफ एंड ओ, बहुत सरल है, उसमें सारे पॉइंट हमने एफ एंड ओ पे ही बनेगी, सिर्फ एक इमेज ऐसी होगी जो कहां बनेगी, एफ पर बनेगी, अदरवाइज देखो यही यही दो इमेज यहां बन सकती हैं। तो अब आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करें, आंसर ढूंढें, आंसर निकालें, जितने ज्यादा ब्रेन की इमेजिनेशन को दौड़ाओगे उतना ही पेपर में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और आप लोग सारे काबिल हैं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी, कहीं कोई सोच रहा कि सर मैं तो 40% से पास हूं मैं काबिल नहीं, हमने बहुत लोग ऐसे देखे जिनका सिलेक्शन हुआ है केवल स्कूल कॉलेज में पासिंग मार्क्स से वो पास हुए हैं, लेकिन काबिल हैं वो, उसका पूरा उसका आगे उसका मतलब समझ लो, काबिल सारे हैं, लेकिन अगर आप ये जितने पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं तो फिर आपकी काबिलियत साबित हो जाएगी, और अगर हम वैसे काबिल हैं याद नहीं रख पा रहे हैं तो फिर उस काबिलियत का फायदा नहीं है, ठीक हो गया। और करत करत अभ्यास जड़ यानी पत्थर भी सीख सकता है, ऐसा बोलते हैं महान कवि कालिदास के बारे में, कहते हैं वो मूर्ख नहीं थे एक समय पर, वो महामूर्ख थे, ऐसा कई ऐसी उसमें आते हैं कि भाई जड़ जैसे होता है ना, वो एक ऐसे कारपेंटर की तरह थे, लकड़हारे की तरह, कि जिस लकड़ी को काट रहे उसी में बैठ के उसको काटते थे, और वो गिर जाते तो उसको सोचने में उनको समय लगता था, ऐसे व्यक्ति भी महान काव्य के रचनाकार बन गए। तो अगर हम भी अपने आप को कहते कि सर मैं तो बहुत लो लेवल, मेरी बुद्धि बहुत कम है, फिर भी अगर अभ्यास लगा रहे लगातार कि सीखना तो है ही, तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने ह्यूमन आई और ये उसी का एक्सटेंशन था लेंस और मिरर की टेबल अच्छे से कवर कर ली। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपको उसका आंसर देना है। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन और दिए जा रहा हूं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ये केवल इसलिए है कि आपने अच्छे से सुना है क्लास की नहीं सुना है। जब व्यक्ति यानी डेड बॉडी मृत हो जाता है तो उसमें पानी भर जाता है तो भार तो बढ़ जाता है लेकिन शरीर तैरने लग जाता है, दो तीन दिन के बाद शरीर ऊपर आ जाता है, क्यों, आपको जवाब देना है। ध्यान रखना है मृत शरीर जो होता है उसका भार तो बढ़ जाता है बिकॉज नेचुरल है, वो शरीर में तो पानी चला जाएगा, वो फिर भी शरीर तैरने लग जाता है दो तीन दिन के बाद, क्यों, क्योंकि चलो मैं क्ल्यू भी दे रहा हूं आपको, हिंट भी दे रहा हूं, क्योंकि उसका डेंसिटी बढ़ जाता है मीन्स उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है मीन्स आयतन बढ़ जाता है, या उसका वेट या भार बढ़ जाता है, आपको उसका वैलिड आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।